हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th बोर्ड एग्जाम के बारे में। तो देखते हैं 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट आया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लोकमत पेपर का आज का वो आया हुआ आर्टिकल है, 10वीं परीक्षा संदर्भात निकाला काय लागणार, आज सुनावनी लाखों विद्यार्थी पालकांचे लक्ष्य। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपना जो 10th बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड आज कोर्ट में हियरिंग है, तो देखना पड़ेगा आज कोर्ट में क्या हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है, 2-3 दिन पहले ही हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने 2 GR रिलीज़ कर दिए थे, जिसमें 10th के बच्चों को किस तरह से पास किया जाएगा, 11th में किस तरह से एडमिशन होगा और एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो अभी इसका ही कोर्ट में हियरिंग है, तो देखते क्या दिया है यहाँ पे इन डिटेल थोड़ा सा। राज्याचे शालेय शिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात 10वी परीक्षा रद्द का केल्या, निकाल मूल्यमापन पद्धती काय असणार, त्याचे सूत्र काय असणार, या संबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे। आज मंगळवारी उच्च न्यायालयाकडून त्यावर सुनावणी आणि निर्णय अपेक्षित आहे। त्यामुळे या सुनावणीकडे लाखो विद्यार्थी पालकांचे लक्ष लागले आहे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने एग्ज़ाम क्यों कैंसिल कर रहे हैं, या इंटरनल असेसमेंट वगैरह ये किस तरह से होगा, 10th में बच्चों को किस तरह से पास किया जाएगा, ये सब अभी कोर्ट में बताया है। तो अभी कोर्ट में इसके ऊपर हियरिंग है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगा कि एग्ज़ाम सच में कैंसिल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। आगे आप लोग थोड़ा सा देख सकते हो, शिक्षक विभाग ने घोषित केलेल्या अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीला विद्यार्थी पालकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे। तो ये सब भी आपको पता है कि जो भी हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम लोग ने बताया था आपको कि 10th का एग्ज़ाम किस तरह से वो लेने वाले हैं, मतलब मार्क्स किस तरह से देने वाले हैं, किस तरह से बच्चों को पास करने वाले हैं, 11th में एडमिशन किस तरह से होगा, ये सब चीज़ें हम लोग ने भी बताई थी। तो ये जो हो गया है उसके ऊपर पेरेंट्स और स्टूडेंट खुश हैं, तो इसके ऊपर अभी आगे फर्दर प्रोसेस होने वाला है। मात्र मागच्या वेळी उच्च न्यायालयाने खंडपीठाने 10वीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणातील सर्वात महत्त्वाची परीक्षा असते, ती रद्द करून शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान केले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण नोंदवले होते। शिक्षण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रातील स्पष्टीकरणाने यावेळी तरी खंडपीठाचे समाधान होणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे। तो जैसे की आपको पता है, लास्ट टाइम हमारे जो कोर्ट ने कहा था कि 10th का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, उसे कैंसिल कर नहीं सकते, ये सब चीज़ें तो हुई थी। अभी उसके बाद हमारे बोर्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट में बताया है कि क्यों कैंसिल करना ज़रूरी है, तो अभी इसके ऊपर आज फाइनल डिसीजन होने के चांसेस है। अभी देखना पड़ेगा कोर्ट इस बातों से रिलेटेड सहमत होता है या नहीं होता है, अगर है तो हमारे फेवर में कुछ डिसीजन आ सकता है और बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के ऊपर पास किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद और भी एक यहाँ पे गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवणार या प्रतिज्ञा पत्रावर उच्च न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवणार, याकडे विद्यार्थी पालक शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे। ये तो आपको पता है, जो हाईकोर्ट है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें तो ध्यान में रख रहे। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या या संदर्भात निर्णयाला वेळ लागू शकतो असे मत कुलकर्णी यांनी मांडले। जो कुलकर्णी सर है जिन्होंने ये एग्ज़ाम कैंसल क्यों किया, इसके ऊपर जो याचिका डाली थी, उन्होंने कहा है कि अगर ये जो अपना कोर्ट है उसमें अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो याच वेळी जर निर्णय शिक्षण विभागाच्या बाजूने केला तर आपली सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले। तो उन्होंने ये भी क्लियरली बताया है कि अगर हाईकोर्ट में उनके अपोजिट डिसीजन गया और स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन गया, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता हूँ। तो देखना पड़ेगा अभी ये डिसीजन पहले तो क्या आ रहा है और उसके बाद क्या होगा। तो गाइस, चैनल पर बने रहिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और भी कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू।